Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. सो गाइस जैसे वो बताया हमको मनी इन द बैंक 21 में बहुत ही बड़ा शॉक मिला, तभी हमको पता चला कि हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने किया है उनका WWE रिटर्न। पर बात यहाँ पे ही नहीं खत्म होती गाइस, क्योंकि जॉन सीना ने डायरेक्ट रोमन रेन को कॉन्फ्रॉन्ट किया गया, सभी उन्होंने रिटर्न किया। और जैसे ही जॉन सीना को पता गाइस रॉ के भी एपिसोड में अपेयर होते गाइस, उसमें भी उन्होंने बोला कि वो दो रीजन की वजह से आया है, एक है WWE यूनिवर्स और एक है रोमन रेंस। जॉन सीना ने बोला कि उनको चाहिए कि वो बने एक 17 टाइम WWE चैंपियन, इसलिए गाइस जॉन सीना बोला कि वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए आया है और वो चैंपियनशिप अभी फिलहाल है रोमन रेंस के पास। और जॉन सीना ने यह बोला कि उनको समर स्लैम में चाहिए रोमन रेंस के अगेंस्ट मैच फॉर द WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और बहुत फैंस के लिए भी क्वेश्चन आ रहा है कि क्या वो फाइनल टाइम आ गया है कि रोमन रेंस हो गए रिटर्न, और क्या हमको जॉन सीना बनते हुए दिख सकते हैं वो आदमी जो रोमन रेंस को हराएंगे और बनेंगे द नेक्स्ट WWE यूनिवर्सल चैंपियन। सो बस पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर WWE जॉन सीना और रोमन रेंस के बड़े वाले फैन हो। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बस ये मैच देखने में ही कितना बड़ा है, बोल सकते जॉन सीना जो कंपनी का बहुत ही बड़ा फेस था लास्ट डेकेड, और बोल सकते हो कि ये भी डेकेड के थे लेकिन अभी 2-3 साल पहले WWE में आना छोड़ दिया था। बोल सकते हो कि जॉन सीना ऑलमोस्ट 15 इयर्स के लिए WWE के टॉप स्पॉट पे है और एक बहुत ही बड़े फेस थे कंपनी के, और अभी आप देख सकते हो कि वो स्पॉट अभी मिला है रोमन रेंस को। बोल सकते हो कि एक बंदा है जो पहले के टाइम WWE को रूल करता था और अभी वो बंदा है जो अभी के टाइम WWE को रूल करता है। गाइस क्या हमको WWE जॉन सीना को ये फ्यूड में चैंपियन बनने देख सकते, चांसेस भी बहुत ज्यादा, क्योंकि पता है गाइस जॉन सीना को कितना बड़ा पॉप मिला है, बस क्राउड ने कितना चीयर किया तभी जॉन सीना रिटर्न किया। तो पता है कि कभी भी जॉन सीना का थीम सॉन्ग प्ले होता है गाइस क्राउड एक ही चीज बोलता है, यू सक। लेकिन गाइस पहली बार तभी जॉन सीना का थीम सॉन्ग प्ले हुआ गाइस रॉ में भी और मनी इन द बैंक भी, गाइस क्राउड ने खाली चीयर किया जॉन सीना के लिए। देख सकते गाइस जॉन सीना अभी फिर से एक क्राउड फेवरेट सुपरस्टार हो गए जैसे वो 2007 के टाइम में थे, तभी अगर पता है कि जॉन सीना कितने बड़े स्टार थे, उनको हर एक बंदा उनका फैन था, वो चीज अभी हो गई, सब लोग अभी फिर से जॉन सीना से प्यार करने लगे, सब लोग जॉन सीना के फैन हो गए। इसलिए WWE ऐसा दिखा भी सकती है कि जॉन सीना बन सकते हैं वो बंदे जो रोमन रेंस को हराएंगे और बनेंगे द नेक्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन। क्योंकि हम बात करते हैं रियलिटी के बारे में, सो गाइस को पता है कि जो जॉन सीना है गाइस वो रेगुलर WWE नहीं आते जैसे वो पहले के टाइम आ रहे, पता है पहले के टाइम जॉन सीना पूरे फुल टाइम WWE में काम करते थे, हर एक पेपर में रेसल करते थे, वो हर एक रॉ स्मैकडाउन में भी आते थे। लेकिन अभी आपको पता है कि जॉन सीना थोड़े मूवीज के अभी शिफ्ट हो गए 1-2 साल से, इसलिए जॉन सीना ने WWE में आना बहुत ही ज्यादा कम कर दिया। बोल सकते 2019 से जॉन सीना ने खाली 4 मैचेस ही रेसल किए हैं WWE में। लेकिन सर देख सकते जॉन सीना का कितना कम हो गया रेसल करना, जो बंदा एक वक्त पे एक साल में 100-200 मैचेस रेसल करता था, अभी उन्होंने खाली 2 साल में खाली 4 मैचेस रेसल किया। देख सकते कितना जॉन सीना ने हॉलीवुड में फोकस डाला। और वैसे वो मैंने रिपोर्ट भी दी थी बीच में कि जॉन सीना की जो मूवी की शूटिंग है जो समर स्लैम के ठीक बाद स्टार्ट होने वाली है, एगल गुस्सो नाम की मूवी है गाइस, वो मूवी के लिए जॉन सीना को जाना पड़ेगा शूटिंग के लिए। और अगर जॉन सीना चैंपियनशिप जीत के चाहते हैं तो फिर ये पूरा ब्रॉक लेसनर का सीन हो जाएगा कि चैंपियनशिप जीता और 2-3 महीने के लिए शक्ल मत दिखाओ, इसलिए WWE ऐसा रिस्क लेगी। क्योंकि पता है कि अभी क्राउड कितना लव कर रहा है जॉन सीना को, WWE ये चीज खराब नहीं कर रहा, क्योंकि पता है कि जॉन सीना को फाइनली वो चीज मिल रहा है जो उनको 2010 के बाद से ही सब फैंस बू कर रहे थे। फाइनली क्राउड ने फिर से जॉन सीना को चीयर करना स्टार्ट कर दिया है और ये चीज WWE की पसंद है, क्योंकि WWE ऐसा चीज नहीं करेगी कि ब्रॉक लेसनर जैसे जॉन सीना को चैंपियनशिप जिताएगी और फिर 3-4 महीने के लिए चैंपियन दिखेगा ही नहीं शो पे, तो इस फायदा ही क्या फिर जॉन सीना को देखिए। पता है कि रोमन रेंस सबसे बड़े स्टार है कंपनी के और उनके सामने अगर जॉन सीना को जीता तो अभी डायरेक्ट समर स्लैम के बाद शूटिंग के लिए यानी WWE फिर से छोड़ के जाने वाला है, उसको उसके सामने हरा दिया तो गाइस रोमन रेंस का पूरा इमेज, रोमन रेंस की पूरी मेहनत 1 साल की सब बर्बाद रहेगी। इसलिए अगर से हमको मैच देखने वाला जो मोस्टली कंफर्म्ड ही है मैच बहुत ही बड़ा तो होने वाला, लेकिन इन द हैंड हमको रोमन रेंस ही रिटर्न कर देना। और एक पॉइंट भी है कि क्यों रोमन रेंस रिटर्न करेगा, सो गाइस मेरे को बहुत रिपोर्ट दिए कि WWE गाइस बहुत ही बड़े बड़े मैचेस प्लान कर रहे रोमन रेंस के लिए, जैसे कि WWE प्लान कर रही है रोमन रेंस का, सो गाइस जो कमिंग अगेंस्ट जो थोड़ी यानी गाइस जो WWE का अभी कमिंग सऊदी का इवेंट आने वाला है उसमें भी WWE ने प्लान किया है रोमन रेंस और गोल्डबर्ग का मैच कराना फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और इसमें आपको पता है कि अभी जो रेसलमेनिया 38 का इवेंट है गाइस WWE अभी के लिए दो ओपोनेंट्स हैं, बोल सकते हैं अंडर से फाइनल कर ही दिए रोमन रेंस के लिए, एक है द रॉक और एक है ब्रॉक लेसनर। यानी गाइस WWE ने बोला कि अगर सर द रॉक अवेलेबल नहीं हो गए तो हमको ब्रॉक लेसनर दिख सकते हैं रोमन रेंस के ऊपर, क्योंकि पता है कि द रॉक का तो रोमन रेंस के पूरा फैमिली का ही तो फ्यूड होगा गाइस, और ब्रॉक लेसनर की बात करते हुए पता है कि पॉल हेमन जो एक बहुत ही बड़े मेन
अट्रैक्शन बनते हैं रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेजर के फ्यूर में। तो सोचो फिर रोमन रेंस के लिए कितने बड़े बड़े मैचेस हैं इन द कमिंग फ्यूचर। तो WWE इतना बड़ा रिस्क लेके नहीं रोमन रेंस को ऐसा सीरा चैंपियनशिप हरा के। तो सब उनको मैच देगा SummerSlam 21 में गाइस, उसमें उनको रोमन रेंस ही जॉन सीना को हराते देखेंगे। कोई भी आपका कैसे भी बोल सकते कि जॉन सीना डिस्क्वालिफिकेशन से भी जीत सकते हैं, तो रोमन रेंस भी डिस्क्वालिफिकेशन से कोई चीज से जीत सकते हैं। लेकिन हमको इंडिया एंड जो रोमन रेंस है गाइस वो ही रहते हुए दिखने वाले हैं द स्टिल WWE यूनिवर्सल चैंपियन। और गाइज अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।